गुड डे गाइस, गुड डे टू एवरीवन। ये टियागो हमारे पास है और हमारे साथ ओनर भी हैं। और टियागो, बहुत बार हम आपको दिखा चुके हैं क्या प्रोज है, क्या कौन सा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। ये टियागो हम आपके लिए लेके आए हैं, मात्र डेढ़ साल में 29,000 चला लिया, 29,000 चला लिया। तो जो एक्सपीरियंस है ना, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, कुछ अच्छी, कुछ बुरी, वो सब शेयर करने वाले हैं। अच्छी बातें भी बताएंगे ताकि आपको पता चले आपको कि क्या करना है, गाड़ी लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। और बुरी बातें बताएंगे कि उनको कैसे टैकल करना है, ये भी क्या इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हैं। इन्होंने जो स्पार्क प्लग्स है वो चेंज कर रखा है, एंड उसके बाद जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी हुई है, करेक्ट है ना। और उसके बाद इन्होंने जो गाड़ी में सर्विसेज कराई थी तो कुछ अपडेट हुए हैं, अपडेट होने के बाद इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट इनको लगा है, तो वो सब चीज़ें शेयर करने वाले हैं। अगर आप टियागो ओनर पहले से हैं और आपको ये अपडेट कराना है, कुछ सेकंड गियर में इश्यूज लग रहे हैं, तो वो सब विशाल जी से बात होगी। विशाल जी, थैंक यू सो मच। आपको भी ऐसा अपना जो रिव्यू शेयर करना है ताकि जैसे इन्होंने शेयर किया हमारे विशाल भाई ने, तो बहुतों को हेल्प होगा और गाड़ी लेने में उनको फ़ायदा होगा। अगर आपका भी ऐसा कोई ओपिनियन है या फिर कोई रिव्यू आप शेयर करना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल दे रखा है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस ईमेल पे अपना नंबर डाल दीजिए, मैं आपको फ़ोन कर लूँगा। फ़ोन करने के बाद डिसाइड कर लेंगे जगह और मैं आपके पास आ जाऊँगा और एक अच्छा सा एक्सपीरियंस लोगों तक शेयर करेंगे। जब आपने गाड़ी ली थी तो कौन कौन सी गाड़ी आपके दिमाग में थी और कौन कौन सी गाड़ी आपने टेस्ट ड्राइव ली थी? बेसिकली मेरी ये फर्स्ट कार है, बट ऑब्वियसली आई एम ड्राइविंग फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम बैक। तो ये गाड़ी इससे पहले मैंने चलाई थी ऑल्टो, जो मेरे फादर की थी। ये तो हर किसी के पास है। बताया कमेंट में कि किसकी सबसे पहली गाड़ी ऑल्टो थी, पापा की, दादा की, जो भी थी, हमारी भी ऑल्टो ही थी। बट एक चीज़ अच्छी है मेरे को ऑल्टो में ये लगती, जो पुरानी ऑल्टो आती थी इट वॉज क्वाइट स्ट्रॉन्ग एंड जो उसका पावर टू वेट रेशियो वेरी गुड एज कम्पेयर टू द करंट ऑल्टो। आई अग्री। और थोड़ी बल्की लगती थी, लुक वॉज गुड, बट अभी जो आपकी ऑल्टो आती है वो ऐसे लगती है कि मतलब इट्स बेटर टू नॉट टू हैव अ कार। 2002 का जो हमारे पास 800 है, करेक्ट, टाटा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग उसकी छत है वो। अब तो फिर एंड द गुड थिंग इज वो गाड़ी इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद उसका ऐसा नहीं कि एवरेज कम है, आज भी मेरे को 17-18 की एवरेज देती है हिमाचल में। उसका पावर पिकअप मतलब कोई चेंज नहीं है उसमें, उसका सिंपल सा फंडा है, सर्विस कराओ, पेट्रोल पिलाओ और चलाओ। लेट मी वेरी क्लियर। एब्सोल्युटली। तो आपने जब मेरी आपसे बात हुई थी आपने दो गाड़ियाँ देखी थी, करेक्ट, एक नियोज देखी थी और एक टियागो। नियोज वॉज गुड, मतलब यस इट वॉज मोर स्मूथ दैन दिस वन, बट उसमें इशू यही था, एक तो आपको जो मैंने बताया कि थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी, और दूसरा ये था कि मैंने इन दोनों का जो टेस्ट ड्राइव किया था वो सिटी पे तो किया ही था जो नॉर्मली करते हैं, आई टुक देम टू दिस हाईवे ऑल्सो, यस। तो हाईवे में मैंने एक चीज़ देखी, नियोस वॉज गुड इन परफॉर्मेंस इन द हाईवे, बट उसका प्रॉब्लम यही था कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आप हल्की सी गाड़ी में बैठे हो। टियागो जब आप चलाते हो तो एक तो चिपक के चलती है बिकॉज ऑफ द वेट, और आपको लगेगा नहीं कि यस आगे कोई आ भी गया या कुछ साइड से कोई ओवरटेक कर रहा, बिकॉज इन हाईवे ऑलमोस्ट ऑल ट्रेवल्स आर 80-90, तो आपकी गाड़ी हिलती नहीं है बिल्कुल भी। तो इसके लिए टेस्ट के लिए मैंने क्या किया, आपकी गाड़ी नॉर्मली पार्क की हाईवे के साइड में, एंड व्हेन आई वाज सिटिंग इन द नियोस, तो जब ट्रक निकलता आपका हाई स्पीड पे तो नियोस वाज लिटिल बिट शेकी, इसमें पता नहीं लगा कि बाहर जा रहा है कुछ। तो वहीं से आपकी गाड़ी की क्वालिटी का पता लगता है कि हाउ मच वेट इज़ दिस। अच्छा, दूसरा, वेट होने के बावजूद इसकी एवरेज इज़ मोर देन नियोस। यार ये ना एक सबसे बड़ा सरप्राइज हुआ, हम कवर करेंगे। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि नियोस और इसमें जो मेन फैक्टर था आपको ये गाड़ी लेने का, जो आपने हाईवे पर ड्राइव की थी, दैट वाज सेफ्टी, उसके बाद आपको लगा कि नहीं 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 ये करना चाहिए, दैट वाज बिकॉज ऑफ द सेफ्टी। क्योंकि सिटी ड्राइव में तो हर कोई चलता है, राइट, बट जब आप गाड़ी खरीदते हो तो इट्स नॉट फिक्स कि आपको सिटी में ड्राइव करनी है या हाईवे में ड्राइव करनी है, हिल्स में करनी है। ये कि अब जब आपके पास गाड़ी है तो आप प्लान जो है ना गाड़ी के बाद बनता है कि यहाँ जाना वहाँ जाना है, गाड़ी से पहले नहीं बनता कि हाँ मैं हाईवे के लिए लूँगा तो मेरे को बल्कि चाहिए। नो, तो एक बार आपने गाड़ी ले ली दैट शुड फिट इन ऑल द कंडीशंस, तो उस केस में इट इज़ अ सिटी कम हाईवे कार प्लस हिल्स ऑल्सो। हिल्स इसलिए क्योंकि सिंस आई बिलोंग टू हिमाचल, तो मेरा 3 महीने में या 2 महीने में एक ना एक चक्कर लगने हिमाचल, बिकॉज माई पेरेंट्स स्टे इन हिमाचल। इन हिमाचल आई बिलोंग टू धर्मशाला, विच इज़ क्वाइट ऑल आर अवेयर कि कैसे रोड्स हैं वहाँ पे एंड हाउ मच हिली इज दैट, तो उसमें इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त। ये सभी को कहना चाहूँगा, यार देखो ये पैसे आपके हैं, गाड़ी में जो पैसे लगा रहे हैं ना, 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपये अपनी जेब से लगा रहे हो, कोई डीलरशिप नहीं दे रहा या फिर कोई टाटा नहीं दे रहा या मारुति नहीं दे रहा, हुंडई नहीं दे रहा है। टेस्ट ड्राइव जब भी लो ना उसको थरली लो, ठीक है, उसको पूरी तरह, जैसे हमारे विशाल भाई ने किया था, पूरी तरह टेस्ट ड्राइव लिया था, हाईवे भी चेक किया था। अगर ये हाईवे पे नहीं चलाते तो फिर नियोस ले लेते ना, नियोस लेते, करेक्ट, क्योंकि दैट वाज स्मूथ। बट स्मूथ का मतलब ये नहीं है कि आप सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दो, या अभी प्रॉब्लम ये है ना कि ऐसा नहीं है कि इट्स वेरी मतलब रफ, ऐसा नहीं है। और दूसरा मेरा क्या है कि लोग समझते हैं कि अंदर जब बैठे तो आवाज़ नहीं आए, भाई जब गाड़ी चला रहे तो पता लगना चाहिए कि गाड़ी चला रहे हो यार। साल में आपने 29,000 चला लिया, इसका मतलब आपका जो इनका जो ऑफिस है
सिर्फ 16 किलोमीटर अप एंड डाउन है, इसका मतलब मैक्सिमम आपने जो धर्मशाला जयपुर और चंडीगढ़ के हाईवे पे ज्यादा चलाई है, इसीलिए 1.5 साल में 29,000 चली हुई है। ठीक है, हम रीडिंग भी दिखा देंगे आपको। 1.5 साल का एक्सपीरियंस आपको कैसा अभी तक? मैं यही कहूँगा कि अगर कोई फर्स्ट ऑब्वियसली जो गाड़ी चला रहा है पहले से, ही कैन इजली डिफ्रेंशिएट जब वो टेस्ट ड्राइव करने जाएगा, बिकॉज ही कैन इजली रिलेट द पैरामीटर्स। बट जो फर्स्ट टाइम बायर है गाड़ी का, तो मोस्टली हम इंडियंस की मेंटेलिटी है बनी कि बस मारुति सुजुकी की गाड़ी लेनी है, नारू उठा ली, स्विफ्ट उठा ली, मार्केट में वही दिखती है ना, या ऑल्टो उठा ली। वो इसलिए दिखती है क्योंकि वो कंपनीज पुरानी है, एंड जब कंपनीज पुरानी है, टाइम आपका ज्यादा हो गया तो क्वांटिटी विल बी मोर ऑब्वियसली ऑन द रोड। ऊपर से उनका जो नेटवर्क है ज्यादा है, पुराने नेटवर्क ज्यादा है, लोग भरोसा भी करते हैं। सो लेकिन ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होना चाहिए। यस बिल्कुल, यू नीड टू बी चेंज विद द टेक्नोलॉजी। तो उस केस में आई थिंक फर्स्ट टाइम बायर के लिए तो आंख बंद करके ये उठा लो, बिकॉज आप खुद ही अगर आप एनालिसिस करोगे तो मारुति सुजुकी आपकी कब से चल रही है, तो उसका आज ये रिजल्ट है। टाटा है जस्ट ग्रोन अप इन जस्ट 4 इयर्स। एब्सोल्युटली, तो 4 इयर्स में जब वो प्रोडक्ट इतना अच्छा ला रहा मार्केट में, तो कुछ बात होगी। तभी वो आप देखिए, आप नॉर्मली जब भी एडवर्टाइजमेंट आती है, इट्स ऑलवेज कम्पेयर्ड, मारुति कितना यूनिट बिका, टाटा कितना। जल्द जब वो टाटा सिर्फ इतनी गाड़ियों के साथ उसको कम्पीट कर रहा है, देन मीन्स प्रोडक्ट इज गुड ऑन द मार्केट। अभी सेकेंड चल रही है, सेकंड चल रही है, बताओ कहाँ पहले टाटा में लास्ट नहीं होती टाटा। जस्ट गिव 10 साल 5 साल देना चाहिए। यस, 5 साल और दे दो, 6 साल और दे दो, यू विल फाइंड द डिफरेंस, इट विल टेक ओवर आई थिंक। यस, और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका आपका मिनिमम बजट मॉडल से लेके हाई एंड तक गाड़ियाँ दे रहे हैं, एंड ऑल कार्स आर लाइक गुड। आप इसमें मतलब सेफ्टी का तो आपको कोई सोचना नहीं है, क्योंकि गाड़ी के अंदर जब आप बैठे हो तो यू डोंट हैव टू थिंक कि क्योंकि आप फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहे हो या किसी के, तो सेफ्टी इज मैटर्स अ लॉट एक्चुअली। सो इन दैट केस जाओ यार, क्योंकि मैं जब भी सुनता हूँ ना, देखो बहुत लोग को लगता है कि आप बकवास कर रहे हैं, सेफ्टी सेफ्टी सेफ्टी, ठीक है, लेकिन जब भी हम ऐसी बातें सुनते हैं ना, तो हम लोग पता क्या बातें करते हैं। एक बंदा कहता है यार जब होना होगा तो हो जाएगा, करेक्ट, दिस दैट्स नॉट द राइट अप्रोच यार। होना होगा तो हो जाएगा ये नहीं, कम से कम जो चीज़ आपके हाथ में है वो चीज़ लो। अगर आपको एक चीज़ मिल रही है ए, एक चीज़ मिल रही बी, ठीक है, इसमें आपको सेफ्टी मिल रही है 4, इसमें मिल रही है 2, ऑब्वियसली कोई भी नॉर्मल बंदा वो सोचेगा कि यार मैं ऐसी चीज़ लूँ जो अच्छी हो, है ना, सोचेगा। तो ये मत सोचिए कि यार कल होगा नहीं होगा, छोड़ो, अगर हो गया तो क्या करोगे, है ना। तो कम से कम एक जो आपके पास पावर है आप ले सकते हो, तो कम से कम सेफ कार चुनना जरूरी है। ब्रांड ये नहीं कह रहा हूँ कि टाटा, टाटा ने बनाया है, टाटा ने ये जो पूरा जो शुरू किया है सेफ्टी का, ही इज़ द मार्केट लीडर राइट नाउ। और महिंद्रा और टाटा की बात करें सेफ्टी कार में, तो और जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको भी करना चाहिए, जब करेंगे तो उस गाड़ियों पे भी हम लोग जा सकते हैं फॉर श्योर 101%। तो राइट नाउ अभी कोई कंपैरिजन नहीं है। और दूसरा एक बात और बोलना चाहूँगा, इट्स ऐसा नहीं है कि इसकी ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है टाटा की, या फिर आपको मतलब जब आप खरीदने जा रहे तो महंगी है, या डेली आप यूज़ करोगे तो एवरेज कम देगी, या सर्विस नहीं है, इट्स ऑल इक्विवेलेंट टू द करंट मार्केट लीडर्स। और हम इस पॉइंट पे जरूर आएंगे, उन्होंने बताया, बहुत सारे लोग का सवाल ये हो सकता है कि सर्विस कैसा है वगैरह, प्राइस तो आपको पता है, ठीक है, कंपेटिटिव है, सर्विस भी कंपेटिटिव है, जितने मार्केट में है ना इक्वल प्राइस है। जो चीज़ें कंपेटिटिव नहीं है, जो चीज़ें थोड़ी आपके लिए ऑफ हो सकती है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम सिर्फ प्रोज की बात कर रहे हैं। ये XT मॉडल ले रखा है, XT मॉडल कितना पड़ा था आपको? ये मेरे को पड़ा था 550 के करीब, 550 के। आफ्टर ऑल द डिस्काउंट्स एंड ऑल। अब मैं फाइनल आपसे सवाल पूछता हूँ, अगर आप इस गाड़ी को रेट करना है टियागो को, ये बेसिक से आपका, आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे? आउट ऑफ 10 आई विल रेट इट 8.5। और जो 1.5 है जो मिसिंग है? 1.5 में आपको एक तो अंदर दिखाना चाहूंगा इसका। फर्स्ट वन इज ये जो आपका ओपन कवर है, तो द थिंग इज ऐसे तो जब कोई बैठेगा तो दिखेगा नहीं, बट जब कोई मतलब ऐसे झुक के देखते हैं आपकी गाड़ी का डोर खुला है या बाहर से देखेगा, तो इट्स लुक वेरी ऑकवर्ड, तो इसके लिए काटूंगा मैं थोड़ा सा। बिल्कुल खुला हुआ है। यस, बहुत लोग बोलते हैं कि अंदर बहुत साउंड आती है, इसमें कभी इतना कुछ नहीं है, पहले आती होगी, आई एम नॉट अबाउट, बट इस मॉडल में यू विल नॉट गेट दैट साउंड। अगर कोई गाड़ी अभी परचेज करने का सोच रहा है इस टाइम पे, तो आपको क्या लगता है पहली गाड़ी अगर कोई लेना चाह रहा है इस प्राइस पॉइंट पे, क्या उसे लेना चाहिए? अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द बजट कितना है। सो लाइक इफ द बजट आपका 6 से कम है, तो इसको तो उठा लो आप, सोचना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। और अगर 6 से ऊपर है, लाइक इट रेंजेस विद 6 to 8, देन यस यू कैन गो फॉर नेक्सॉन एंड ऑल, बेस मॉडल आपको नेक्सॉन का आराम से मिल जाएगा। अनदर थिंग इज लाइक यू i20 जो आपकी आ रही है अभी Hyundai की, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 10 lakhs, तो वहाँ मतलब ही नहीं है 10 lakh खर्च करने का। एक तो हैचबैक है, दूसरा अगर आपको मिनी या कॉम्पैक्ट SUV लाइक नेक्सॉन इस टाइप की गाड़ियाँ मिल रही है, तो फिर टू गो फॉर दैट जाएगा। यस i20, वो मेरे ख्याल से i20 का एक टाइम था, टाइम जब बहुत ज्यादा उस पे थी, उसमें गाड़ियाँ और नहीं थी तो लोग लेते थे। अब i20 का नाउ यू हैव अ चॉइस, तो आई थिंक
यू शुड लुक फॉर दैट एब्सोल्युटली यस। अगर 10 रुपए में आपको चॉकलेट मिलना है तो 10 रुपए में टॉफी की खाओगे आप। करेक्ट। दूसरा कौन इसमें एक और बताऊंगा, अभी इसका इशू क्या है कि जब आप इस सीट पे बैठते हो ड्राइवर सीट पे और वहाँ पे आपके साथ वो पैसेंजर बैठे हैं, नॉर्मली एक्सपीरियंस दिस इन माय विद माय वाइफ, तो जब वो थोड़ा झुक के आगे या फ़ोन वगैरह या थोड़ा आगे झुक जाती है देन आई गेट द विजन ब्लॉकिंग इन दैट मिरर। और मेरा क्या है कि आई ऑलवेज ड्राइव थ्रू द मिरर्स। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं कि मिरर बंद करके चलते हैं, विच इज़ अ वेरी बैड प्रैक्टिस। सो उस केस में मेरे को थोड़ा लगता है क्या लगते हैं आपको इश्यूज़, एक तो मैंने जो आपको बताया कवर वाला, दूसरा वो हिंड्रेंस है थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें कभी कभी मेरे को लगता है कि साउंड आ रहा है बट इट्स नॉट कि बहुत ही इरिटेटिंग है या कुछ, वो आता है अपने हिसाब से, मंडे को आएगा ट्यूसडे को नहीं आएगा उस टाइप में। अच्छा, तो वैसे उसमें कोई कौन नहीं है। हाँ, पहला कौन इसका ये था जो पहले था, अभी नहीं है, सेकेंड गियर इशू। तो सेकेंड गियर पे जो आपका पावर टू वेट रेशो बहुत कम हो जाता था और गाड़ी ऐसे लगता था कि बढ़ेगी नहीं, तो उसमें मेरे को हिल्स में बहुत इशू आता था। नॉर्मली आप ऐसा तो है नहीं कि हर बार आप फर्स्ट गियर पे उठाते हो, क्योंकि व्हेन यू आर एक्सपीरियंस ड्राइवर या आप गाड़ी काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहे हो सेकंड, तो आप सेकंड पे उठाते हो, तो इसमें वो चीज़ इशू था। तो इसमें क्या हुआ कि जब इनका अपडेट आया टाटा का, आफ्टर दैट द परफॉर्मेंस इज़ वेरी नाइस, अभी वो लैग मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, जिनके पास टियागो है सेकंड गियर में अगर आपको लैग लग रहा है तो अपडेट होने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है तो आपको लग रहा है काफी yes. अच्छी। और दूसरा एक और चीज़ कहूँगा, जब आप सर्विस के लिए जाते हैं तो सर्विस के वक्त ज़रूर पूछिए कि मेरी गाड़ी में कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि सर्विस सेंटर में आपके इतनी गाड़ियाँ होती हैं, समटाइम्स दे फॉरगेट टू मेंशन यू, तो उस केस में यू शुड बी वेरी पर्टिकुलर। आप पूछिए सामने से, आप पैसे दे रहे हैं वहाँ पे सर्विस करवाने के, तो जब आपकी गाड़ी खुल रही है, इंजन ऑयल चेंज हो रहा है, स्पार्क प्लग चेंज, उसका एक अपडेट भी हो जाएगा, कोई बुरी बात नहीं है। तो इसलिए हाँ, इसलिए पूछिए। मेरे हिसाब से मैं जब भी जाता हूँ मैं हमेशा पूछता हूँ कि इस मेरा BS मॉडल ये है, ये नंबर है, ये चासी नंबर है, इस पर कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट वैलिड पॉइंट है। एक और पॉइंट आपको पूछना चाहूँगा, आपने बोला था कि आपने इसके जो स्पार्क प्लग से चेंज कर रखे हैं, यस, तो इसमें या इसमें ये था, अभी मेरी जब मेजर सर्विस हुई थी तो नॉर्मली आपकी 25-26,000 पे मेजर सर्विस होती है जिसमें स्पार्क प्लग आपके चेंज होते हैं। तो स्पार्क प्लग जो इसके स्टॉक आते हैं, दैट आई एम नॉट रिमेंबरिंग द कंपनी, आई थिंक कॉन्टिनेंटल या किसी के आते हैं, सो उसका प्राइस बड़ी मुश्किल से 120 या 130 होती है। मैंने इसमें डलवाए बॉश। अच्छा, तो बॉश के मैंने तीनों स्पार्क प्लग चेंज करवा दिए। वो खुद खरीदा था वो मैंने सर्विस सेंटर से, दे गेव मी अ चॉइस एक्चुअली कि ये भी है हमारे पास, बॉश का भी है और वो भी है, तो आप स्टॉक वाला डलवाना चाहते हैं बॉश। वो कब कराया था आपने? मैंने अभी जस्ट करवाया 3-4 months back. 3-4 months. Yes. उसके बाद आपका एक्सपीरियंस? उसके बाद इसका परफॉर्मेंस इम्प्रूव है। और स्पार्क प्लग जो है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी गाड़ी के परफॉर्मेंस में, माइलेज में। Yes. तो जैसे उन्होंने बताया था विशाल जी ने, एक 150 का आ रहा है, एक 400 का आ रहा है। Yes. या डिफरेंस तो होगा, तो एक बार आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि थोड़ा कहीं माइलेज कम है, कुछ कम है, स्पार्क प्लग जो बोस के हैं, हम बोस की ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं लेकिन उन्होंने करवाया है तो उसी हिसाब से बोस के एक बार करवा के देखिए, जो थोड़े कॉस्टली है, लेकिन स्पार्क प्लग ऐसा है कि हर महीने हर साल चेंज नहीं होता, इंजन की उसके ऊपर ही लाइफ डिपेंड करती है बेसिकली, तो वो चलता रहेगा और वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, क्या पता उससे आपको थोड़ा सा डिफरेंस मिल जाए। रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच फॉर दैट। अब ये चीज़ें हो गई, अब हम बात करते हैं मेन चीज़, सबसे पहले माइलेज की बात करते हैं। ओके, बहुत लोग कहते हैं यार कि माइलेज नहीं मिल रहा, ठीक है। जब मैं ओन कर रहा था, मेरे पास BS4 मॉडल था, मैं गाज़ियाबाद से नोएडा जाता था तो मुझे 18 का 17 का माइलेज मिल जाता था, थोड़ा सा ट्रैफिक होता था, और हाईवे पे हमेशा मुझे 20 से ऊपर मिला है। देखिए बहुत लोग कहते हैं नहीं मिल रहा, तो आपसे जान लेते हैं आपको सिटी में कितना माइलेज मिल रहा। सिटी में जैसे कि मैंने पहले बताया, आई ऑलवेज ड्राइव विद AC, बिना AC के मैं गाड़ी कभी चलाते हैं कभी नहीं, भी नहीं चलाई विंटर में भी नहीं, आप चेक कर सकते हैं कभी भी। अरे नहीं, हिमाचल से है ना, इनको गर्मी ज़्यादा लगती है, तो कोई इशू नहीं है। तो लेकिन ये है कि मैंने हमेशा भी AC चलाई, तो चौक ट्रैफिक सबको पता है दिल्ली NCR में कैसा ट्रैफिक होता है, और खासकर मॉर्निंग आवर्स में, मैंने अप्रोच द ऑफिस, तो उसमें मेरे को ये आराम से 13.5 से ऊपर ही देगी हमेशा। मतलब इट्स अ गुड, यस, क्योंकि अगर विद AC 13.5 दे रही है, यस, आपकी चलती फर्स्ट और सेकेंड गियर में, और कभी इसमें हीटिंग का इशू या कुछ नथिंग। हाईवे पे कितना मिलता है? हाईवे मेरे को 22+ लेके गया। अब लोगों को टिप्स भी बता दो कि कैसे मिल रहा है आपको। देखो पहले तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन हाउ यू ड्राइव, अननेसेसरी गियर मत चेंज करो पहली बात, नहीं तो लोग क्या करते हैं जब आपकी इसमें डिफाइंड है आप उसके लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, आप इसको फर्स्ट गियर पे डालिए, इसका क्लच ब्रेक एक्सीलेटर तीनों छोड़ दीजिए, तो जितना आपका मिनिमम स्पीड जा रहा है दैट इज दैट गियर स्पीड, यानी कि आपको गियर उस चीज के ऊपर ही चेंज करना चाहिए। सो दीज आर मिनिमम टिप्स। ऐसे ही आप सेकंड गियर का सही टाइम पे चेंज करो, थर्ड गियर का सही टाइम पे चेंज करो, इफ यू मेंटेन दैट डेकोरम इट विल ऑब्वियसली गिव यू एवरेज। बिल्कुल, अब बताना यार ये सब फॉलो करने के बाद
अगर आपको माइलेज मिल रहा है ढंग का तो कमेंट पे जरूर मेंशन करना। यस, और दूसरा अननेसेसरी रेव करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको मजे भी लेने हैं तो फिर एवरेज भूल जाओ। ये तो होगा यार, दोनों हाथों में लड्डू तो नहीं मिलेंगे ना, एक हाथ में लड्डू मिलेगा। अगर आपको भगाना है, थोड़ा मजा चाहिए, तो माइलेज कोई सी भी गाड़ी ले लो, डाउन होगा ही होगा। डाउन हो गई तो मिनिमम एवरेज स्पीड में इसकी हमेशा मेरी 50-60 रहती रहती है, सिंस दिल्ली में आपका स्पीड लिमिट 50 है, ऐसे ऊपर जाता नहीं है, तो नॉर्मली 40-50 में मेरे को एवरेज मिलता है। और वो सबसे अच्छा एक स्वीट पॉइंट है जहाँ पे आपको एवरेज मिल जाता है। हाईवे पे तो 90, हाईवे पे मैं 80-100 के बीच में चलता हूँ, और हिली एरियाज में मेरी 60 तक जाती है, 50-60 के बीच में, सो देयर आई गेट एवरेज ऑफ 17-18। परफेक्ट, यस, थैंक यू मच। तो काफी कुछ बातें कर ली है यार, पूरा सा गाड़ी हमने टियागो खोल के रख दी है, वो भी ऐसे ओनर से जो 29,000 चला चुके हैं अभी तक, है ना, और 1.5 साल में इतना चला चुके हैं, उनका एक्सपीरियंस मैंने खोल के रख दिया। अब मेन जो मेन चीज़ है, जब उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने ये भी बोला था थोड़ा ब्रांड वैल्यू का, थोड़ा सर्विस का, वो हमें बता दीजिए। तो ब्रांड वैल्यू तो सबको पता है, लाइक टाटा द वे इट्स ग्रोइंग, तो ऑब्वियसली इसका प्रोडक्ट अच्छा है मार्केट में, तभी इट्स गिविंग अ कंपटीशन टू अदर कॉम्पिटिटर्स, वरना तो यार क्यों लेंगे लोग, क्यों लेंगे। आप लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ फोर्ड, फोर्ड की सर्विस नॉट डाउट बहुत अच्छी है, बट प्रोडक्ट आप इको स्पोर्ट देख लीजिए, 10-15 साल से एक ही प्रोडक्ट मार्केट में है, तो लोग बोर हो रहे हैं, तो प्रोडक्ट इज नॉट देयर, तो इट्स नॉट एबल टू गिव कंपटीशन टू अदर लीडर्स इन द मार्केट। तो उस केस में यस, टाटा का जो प्रोडक्ट आ रहा है, अभी रिसेंटली आपका पंच आया, काजीरंगा एडिशन निकाला उन्होंने, डार्क एडिशन निकाला, सो दे आर लाइक अंडरस्टैंडिंग द मेंटालिटी ऑफ द इंडियंस, और इंडियंस को क्या चाहिए, जरूरत ही क्या, काजीरंगा चल ही रहा है, बिक रहा है, चल रहा है, कोई इशू नहीं है। तो जो मार्केट नीड है, मार्केट नीड है दैट टाटा मोटर्स इज अंडरस्टैंडिंग, उसके हिसाब से दे आर ब्रिंगिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट, एंड दैट्स व्हाई दे आर ग्रोइंग, दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ द ग्रोथ। अनदर इज ट्रस्ट, टाटा ग्रुप, मतलब आपको पता ही है कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें टाटा ग्रुप इन्वॉल्व नहीं है, एक्सेप्ट अल्कोहल एंड ऑल, जो में वो जाते भी नहीं है। सो इन दैट केस टाटा ग्रुप हैज़ अ गुड प्रेस्टीज अराउंड द ग्लोब, उस हिसाब से जो प्रोडक्ट निकाल रहा है तो ऑब्वियसली, और दूसरा आपका इंडियन मेड है यार, इसीलिए तो हम लोग भरोसा कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग अपना पैसा लगा रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। यस, बिकॉज ऑफ जो नाम है ना, रतन टाटा, टाटा, दैट इज़ द मेन रीज़न। अभी काफ़ी लोग ऐसे समझेंगे कि टाटा का ब्रांड वैल्यू है ये वो, बट भाई जो है चीज़ ऑन स्पॉट वो हम वही बोल रहे हैं। ये भी भक्त नहीं है यार, भक्त नहीं है, नहीं। मैं प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ, मेरे को अच्छा लगा, इट्स मीटिंग माई एक्सपेक्टेशन, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग। और मैं भी प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ 2 साल से, आई एम सेटिस्फाइड। यस, प्रोज एंड कॉन्स थोड़े खट्टी मीठी तो होती हैं, लेकिन उसका रेजोल्यूशन कैसे मिलता है, क्या होता है, ये मैं जब अपना रिव्यू शेयर करूँगा 30,000 का मेरा निक्सॉन का, वो सब आप लोग को बताऊँगा। और फिलहाल तो ये बात कर लिया, अब सर्विस का आपका कैसे? हाँ, सर्विस का ऐसा है कि अभी तक मैंने ये गाड़ी बीइंग इन दिल्ली सिर्फ 2 ही सर्विस स्टेशन में दी है, वन इज ऑटो विकास, अनदर वन इज स्पर्श टाटा। तो स्पर्श टाटा इज क्वाइट गुड, द वे दे इंटरेक्ट, द वे दे वेलकम द पैसेंजर्स, मतलब जो भी कस्टमर्स हैं, और नॉर्मली जो उनका फीडबैक है कि आपकी गाड़ी में ये हो रहा है, ये हो रहा है, दे कीप ऑन अपडेटिंग। बट आई वॉज नॉट हैप्पी विद द सर्विस ऑफ द ऑटो विकास विच इज बेस्ड इन मोतीनगर, जो उनका सर्विस है, डीलरशिप ऑटो विकास फैबुलस, बहुत अच्छा, लेकिन जो इसका सर्विस है ऑटो विकास वाला स्पेशली, नॉट गुड। अगर ऑटो विकास सुन रहा है यार, मैंने आप लोग का जो डीलरशिप है ना, जो कॉल आती है, मैं बहुतों को कहता हूँ कि ऑटो विकास का, लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं लोगों को वही बताता हूँ, गाड़ी खरीदनी है तो वहाँ से खरीदिए, अच्छा है, लेकिन जो सर्विस का फीडबैक है ना आपका अच्छा नहीं आ रहा है, अगर कोई वीडियो दिख रहा है ऑटो विकास वाले से या फिर टाटा वाले, प्लीज़ यू नो टेक केयर ऑफ दैट, ये बहुत ज़रूरी है यार। अगर आप लोग टेक केयर नहीं करेंगे तो वैसे ही रह जाएगा, और जो चीज़ें वहीं पे रही हैं लोग को नहीं पसंद है, लोग को हमेशा इंप्रूवमेंट पसंद है यार, हमको, सबको, सभी को, वो थोड़ा जो फीडबैक है प्लीज़ दीजिए और उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। अब आपका कोई दुश्मनी तो नहीं है ना ऑटो विकास? मैं सीधा, लेकिन जो बोलूँगा जो है, तो थिंग इज फर्स्ट टाटा में आई गेट 100% एक्सेस टू माई व्हीकल ड्यूरिंग सर्विस, मेरे को जो भी देखना, जो भी पूछना है, दे आर वेरी फ्रैंक, और वो गाड़ी मेरे सामने करेंगे अगर मैं जाऊँगा तो। बट इफ़ यू गो ऑटो विकास में, नॉर्मली मेरे को दूर पड़ता है अपने जहाँ मैं रहता हूँ, बट स्टिल मैंने गाड़ी उनसे खरीदी थी, तो जो इसमें अपडेट आया था जिसमें आपका इंजन ऑटो शट हो रहा था, उसको बचाने के लिए टाटा ने ऑटो अपडेट रिलीज़ किया था, तो उन्होंने मेरे को कॉल करके बुलाया था कि आप आ जाइए, आपने गाड़ी हमसे ली है तो वो लेटेस्ट अपडेट आप करवा लीजिए। बट व्हेन आई वेंट देयर, तो पहले तो मैं रिसेप्शन पे जैसे नॉर्मली होता सब में मैं गया, सो दे टोल्ड मी आप कम्युनिटी हॉल में वेट करिए। मैं वहाँ पे वेट करा ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 आवर तक कोई नहीं आया, फिर मैंने दोबारा अप्रोच किया, तो तब उन्होंने मेरे बोलने के बाद 15 मिनट बाद उन्होंने जॉब कार्ड खोला। जॉब कार्ड खोलने के बाद मैंने पूछा अब एस्टिमेटेड टाइम तो आप बताओगे, तो मैं गया था ऑलमोस्ट 10 o'clock, वहाँ पहुँच गया था, 10 to 11 मैंने वेट किया, 11:15 के करीब मेरा जॉब कार्ड खोला, एंड दे टोल्ड मी कि 3 बजे आपकी गाड़ी रेडी होगी। ठीक है, ऑब्वियसली कोई बात नहीं, हो सकता है अपडेट हैवी हो, बट उसके बाद जब अभी एक्सेस तो मिला मेरे को, मैं ले लिया जबरदस्ती ऑटो विकास में, सो माई गाड़ी, मतलब जो कार थी मेरी, इट वॉज ऑलमोस्ट रेडी बाई 2 or 2:30, लेकिन उसको वहाँ से बाहर ले जाने के लिए ड्राइवर अवेलेबल नहीं,
तो मैंने रिसेप्शन पे बोला कि आप प्लीज़ मेरी गाड़ी कर दीजिए, अगर हो गई है तो आप बिल बना के मेरे को दे दीजिए, बट इट डजंट हैपन। मेरी गाड़ी 3:30 बजे ही बाहर आई, तो इन दैट इट वॉज वेरी बैड। अच्छा दूसरा, अगर आप जॉब कार्ड, आप बोलिए तो सही कि आप जॉब कार्ड खुलवाइए या कुछ ऐसा, मेरे को पर्सनली जाके बोलना पड़ रहा है कि आप जॉब घंटे के बाद, एक घंटे के बाद कि आप जॉब कार्ड खोल दीजिए, तो दैट वॉज नॉट गुड एक्चुअली। एक तो आप खुद बुला रहे हो कि अपडेट कर लो, उसके बाद आप ऐसा बिहेव करें तो गाड़ी आपने ले ली है, गाड़ी जब ले ली है उसके बाद कुछ भी नहीं बचता है, सर्विस ही तो बचता है, वही तो एक्सपीरियंस बेटर करना है। गाड़ी ले ली, पैसे दे दे, आपको पैसे मिल गए, उसके बाद सर्विसेज बताए, सर्विसेज भी फ्री में तो नहीं हो रही है, सर्विसेज के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं, तो उसके बाद भी ऐसा हो रहा था, थोड़ा डिसऑर्डरिंग है। और लेकिन आप कह रहे हो कि स्पर्श में अच्छा, स्पर्श में अच्छा, स्पर्श में ये है कि दे आर वेरी ट्रांसपेरेंट एक्चुअली, जो मैंने देखा। तो मेरी अभी इसकी ऑलमोस्ट 25,000 चल गई, तो कम से कम 4-5 सर्विसेज हो गई हैं, 4-5 में से मैंने सारी, फर्स्ट सर्विस जो फ्री होती है वाटर विकास में करवाई थी, और दूसरी ये अपडेट वाली, उसके अलावा सारी सर्विसेज मेरी स्पर्श टाटा में ही हुई। और आप खुश हो? आप खुश हूँ। अब ये मैं आपको थोड़ा सा टाइम लूँगा, ये बताना चाह रहा हूँ। मेरी बात होती है गोवा में बंदा एरन, ही इज़ प्रीटी यंग, और उसने पेट्रोल ली थी ऑटोमेटिक BS4। वो बंदा, मैं पता 1.5 साल से उससे बात कर रहा हूँ, हमेशा फ़ोन करता है, बहुत ज़्यादा एस्केलेट किया है। उस बंदे को गोवा में 9 से 10 का माइलेज मिल रहा था ऑटोमेटिक में। तो बंदा कह रहा है कि मुझे और जैसे बंदे हैं सबको 12-13 मिल रहा है, मैं एटलीस्ट इतना चाहता हूँ कि मुझे 12 का माइलेज तो मिल जाए, और उसको 10 से ऊपर जा ही नहीं रहा था। 1.5 साल से हमारी बात होती थी, एस्केलेट किया, मैंने भी बहुत जगह उसको एस्केलेट किया। अब पता क्या हुआ, 3 साल के बाद अब जाके उसका इशू रेजोल्यूशन हुआ है। वो कब हुआ है पता है? जब उसने डीलरशिप चेंज की है, वो वीडियो आने वाला है। 3 साल तक बेचारा दौड़ता रहा, एस्केलेट करता रहा, 10 से ऊपर माइलेज गया नहीं। नया सर्विस सेंटर आया, गया वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की, स्पार्क प्लग उसके चेंज किए और पंप वगैरह चेंज किए, उसके बाद बूम, वो अभी पुणे जाके आया 800 किलोमीटर, उसको जो माइलेज मिला 18 का, वो इतना ज़्यादा खुश है ना, यू कैन नॉट बिलीव इट। और सिटी में उसको अभी 14 का माइलेज मिल रहा है, उसकी आस्किंग सिर्फ 12 थी, उसको 14 मिल रहा है टैंक टू टैंक, वो बहुत ज़्यादा खुश है। तो इससे पता चलता है कि जो सर्विस सेंटर टू सर्विस सेंटर मैटर करता है, अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो उसको बहुत ही बारीकी से देख के क्वालिटी कंट्रोल जरूरी है। हम ये नहीं करें कि सभी सर्विस, मैं जहाँ सर्विस कराता हूँ वो सर्विस सेंटर अच्छा है भी होता है, एडवाइज़र अच्छा है, हो जाता है, इनका भी ऑटो विकास डीलरशिप अच्छा है, सर्विसेज में बहुत खामियाँ हैं, स्पॉश में इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, तो ऐसा क्यों? और तो डीलरशिप जो अच्छा नहीं है सर्विस, उसको इम्प्रूव कीजिए ना। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, जब मेरा वहाँ पे अपडेट हो गया तो उसके बाद उनके पास रिकॉर्ड ही नहीं कि अपडेट हो गया। अच्छा, जब मैं गाड़ी लेके वापस आ गया, नेक्स्ट डे दे कॉल्ड मी कि आपकी गाड़ी का अपडेट था। मैंने कहा मैं तो गाड़ी अपडेट करके गया हूँ, इस ये मेरा गाड़ी का नंबर है, ये एंट्रेंस, मुझे पता ही नहीं, रिकॉर्ड ही अपडेटेड नहीं है। तो और नॉर्मली ऐसा होता है, टाटा में जब मैं जाऊँगा, फर्स्ट टाटा में जब जाऊँगा तो मेरा जॉब कार्ड खुलता बकायदा, उसका मेरे को मैसेज ऑटो विकास में भी आया, बट उसमें क्या है कि आपका नेक्स्ट डे जो आपकी टाटा मोटर सर्विसेज ऐप आती है उस पर मेरी गाड़ी का स्टेटस अपडेट हो जाता है, सेइंग कि आपकी ये सर्विस होगी, आपने यहाँ से करवाई वहाँ, और वहाँ पे जॉब कार्ड डिटेल्स भी आते हैं। ऑटो विकास के केस में ऐसा हुआ ही नहीं कुछ। 29 में अभी तो कोई इशू नहीं, कोई मेजर इशू नहीं, कोई मेजर इशूज नहीं आया, बट ये कि हमेशा जो मेरी सर्विस रहती है वो हमेशा प्री रहती है। लाइक नॉर्मली मान लो इसकी 10,000 रुपये, तो मैं 9 पे करवा लूँगा, 8.5 पे आपके लिए तो है, तो उससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। और नॉर्मल लोग क्या करते हैं ना, जब आप गाड़ी सर्विस के लिए जाओगे तो लोग कहते हैं, मतलब मैकेनिक कहेगा कि इंजन ऑयल चल जाएगा, चेंज करा दो यार, करा दो, हाँ, क्योंकि वो इतना चल चुका चलने है। को तो चल जाएगा उसकी, जब आपको कंपनी लिख के दे रही है कि 15,000 तक चलेगी, मतलब मिनिमम वो 18,000 तक चल जाएगा, दे ऑलवेज टेक दैट माइनस वैल्यू, बट बेटर कि ये होती है मशीनरी, अगर इसको आपने मेंटेन नहीं किया तो आपका प्रॉमिस गया था। क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो हो सकता है गाड़ी 10-15 साल चल जाए, अगर नहीं करोगे तो हो सकता है थोड़ा 1-2 साल कम हो जाए, इतनी बड़ी पेंसिल है, लिखते रहोगे, घिसते तक लिखोगे तो लिखेगी वो, लेकिन वो बिल्कुल नीचे तक पहुंच जाएगा ना, तो वो डिफरेंस है। थैंक यू विशाल भाई, थैंक यू सो मच, रियली अप्रिशिएट दैट। आपका जो रिव्यू है, होप कि बहुत लोग को हेल्प करे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आप लोग का टाइम बहुत प्रीशियस है, आप लोग ने टाइम दिया, थैंक यू सो मच। आपसे दोबारा मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बी हंबल, बी पोलाइट एंड बाय-बाय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।